अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बास किचन। यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं आपको इसे दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी, विथ और विदाउट ओवन। इसके इंग्रेडिएंट्स की रिटेन लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन ब्रेस्ट, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 1 टीस्पून गोलमिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस, 300 ग्राम दही, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला और रेड फूड कलर। अब हम सारे मसाले को एक बर्तन में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चिकन तंदूरी मसाला, नींबू का रस, दही, गरम मसाला, रेड फूड कलर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। सारे मसाले को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें चिकन के पीसेस डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर मिक्स करें। और इसे कवर करके फ्रीज में रख दें 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी। ये ओवरनाइट मैरिनेट हो चुका है। अब मैं पहले आपको इसे पैन में बनाना सिखाऊंगी, फिर बाद में मैं इसे आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी। एक पैन में 1/2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे गरम कर लीजिए। फिर इसमें 1/2 केजी चिकन के पीसेस डालकर इसे कवर कर दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए और चिकन जो है हमारा वो टेंडर ना हो जाए। इसे बीच बीच में खोल कर चलाते रहिए। जब तक चिकन हमारा टेंडर हो रहा है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट में आप थोड़ा सा ऑयल और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसे बेकिंग ट्रे पे रख दें और इसे प्री हीटेड ओवन में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करें ताकि ये साइड से थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए। देखिए ये साइड से हल्का हल्का लाल हो गया है, इसे निकाल लीजिए। अब हमारा चिकन का पानी भी सूख गया है,
ये देखिए, अब आप इसमें 1 टीस्पून बटर डालकर इसे मिक्स कर लें। गैस बंद कर दीजिए। अब इसके बीच में एक स्टील का प्याली रखें, फिर उसमें जलते हुए कोयले की पीस डालकर उसके ऊपर 1 टीस्पून घी डालकर इसे कवर कर दें ताकि इसमें स्मोक फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट बाद आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अब चिकन टिक्का को बेकिंग ट्रे पर रख के प्री हीटेड ओवन में डालकर 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए ग्रिल करिए ताकि ये अच्छे से लाल हो जाए। चिकन टिक्का विदाउट ओवन तैयार है। अब हम आपको विद ओवन चिकन टिक्का बनाना सिखाएंगे। बची हुई शिमला मिर्च और प्याज को आप चिकन के पीसेस में डालकर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। एक घंटे बाद आप चिकन को पीसेस को इस क्यूब में लगा के इस तरह से रखें बेकिंग ट्रे पे, फिर इसके ऊपर आप बटर ब्रश कर लें। और इसे प्री हीटेड ओवन में डालकर 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड से रोस्ट करें। जब ये एक साइड से लाल हो जाए तब आप इसे बाहर निकाल कर इसका साइड चेंज कर लीजिए। और इसके दूसरे साइड भी आप बटर ब्रश कर लीजिए। फिर इसे दोबारा प्री हीटेड ओवन में डालकर 20 से 25 मिनट के लिए और रोस्ट करिए ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से लाल हो जाए। चिकन टिक्का तैयार है। इसे आज ही बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इंशाल्लाह दोस्तों, नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।